अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज जो सा है मैं आपके साथ कुछ ओल्ड मेमोरीज शेयर कर रही हूँ, और इसमें सबसे पहले जो सा है मैं आपको बेसमेंट का टूर करवाऊंगी, और ये कौन सी बेसमेंट है और हमने इसका कितना रेंट पे किया और बेसमेंट कैसी होती है कनाडा में, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर अब हाँ, मैं आपको अपनी बेसमेंट का टूर करवाती हूँ। तो जी, ये कैनेडियन लाइफ का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बेसमेंट में रहने का, और ये वो टाइम था जब हमने अपना एजेक्स में घर सेल किया था, और जब तक नए घर का अरेंज नहीं हुआ था तब तक हमने ये टाइम बेसमेंट में स्पेंड किया था। एक दो और बेसमेंट भी देखी थी लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई, तो ये वाली बेसमेंट जो सी थी ये बिल्कुल न्यू थी और हम इसमें सेकंड टेनेंट थे, तो बहुत नीट क्लीन और साफ सुथरी बेसमेंट थी। तो न्यू बनने की वजह से ये इसमें अच्छी खासी स्पेस थी, और क्लोजेट, ये जी 2 बेडरूम बेसमेंट है और ये मास्टर बेडरूम है। और इस बेसमेंट की खास बात ये थी कि इसकी विंडो बहुत अच्छी है। आजकल जो न्यू बेसमेंट जो बन रही हैं उनका मैप और हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज होती है। तो ये इस बेडरूम की वॉकिंग क्लोजेट, यहाँ पर आने से बस थोड़े बहुत ही हम कपड़े यूज कर रहे थे और बाकी सब कपड़े अभी बैग्स में उसी तरह ही बंद हैं। ये देखिए, मैं आपको इसकी विंडो दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे विंडो जो सी है जो अब न्यू बनती हैं वो थोड़ी डीप बनती हैं। आपको अंदर से तो उनकी लुक जो सी है वो बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन बाहर से ये देखें, ये मैं आपको बाहर जाके भी दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। ये ओपन प्लान जो सा है किचन है, ये किचन में जो से अप्लाइंसेस होते हैं जिस तरह ये फ्रिज है, आगे स्टोव है, और ये वॉशिंग मशीन जो आपको नज़र आ रही है, ड्रायर और वॉशर, ये जो सा होता है ये हाउस ओनर का होता है। अब यहाँ पे अपार्टमेंट में रहें, बेसमेंट में रहें या कहीं पे भी रहें, ये अप्लाइंसेस घर के होते हैं, ये आपको मिलेंगे। बाकी सब आपकी अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आपकी होती हैं। ये जी सेकंड बेडरूम है, क्योंकि ये न्यू बेसमेंट है तो आप देख रहे हैं कि विंडोज भी बड़े साइज की हैं और फायर अलार्म भी हर तरफ इन्होंने लगाए हुए हैं, दोनों बेडरूम्स में और लाउंज में। और ये इसका वॉशरूम, तो बहुत नीट क्लीन ये बेसमेंट थी और बहुत अच्छा हमारा टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ था। तो जी, ये जिस तरह लॉन्ड्री पेयर है ये सेपरेट है और हमारे वाले पोर्शन में है, यानी हम यूज़ कर सकते हैं, हाउस ऑनर का अपना था। तो बहुत सारी जगहों पे अगर सेपरेट ना हो तो बाज़ दफ़ा हाउस ऑनर की परमिशन नहीं होती लॉन्ड्री की, आपको बाहर ही जाना पड़ता है। तो बाकी ये भी एक स्टोरेज है,
है, बहुत अच्छी ये बेसमेंट थी। और ये जो सी जगह है ना, यहाँ पर ये घर में जितना भी हीटिंग का और एग्जॉस्ट का और सारा जो सेटअप होता है ना, फर्नेस और पाइप्स वगैरह जो भी, ये सब कुछ यहाँ पे ये इसी तरह ही होता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये सेटअप किया हुआ था कि ये अच्छी खासी एक स्टोरेज की जगह थी, तो यहाँ पे हाउस ओनर का काफ़ी ज़्यादा सामान भी था। और कुछ जो उनसा है, मैंने भी अपनी ये जितने बॉक्स हैं ये मेरे ही थे और बाकी कुछ उनका सामान इधर ही था नीचे। तो बड़ा अच्छे तरीके से इस जगह को उन्होंने अरेंज किया हुआ था। अब जो है ना, ये मैं आपको ऊपर लेकर जाती हूँ और बाहर से जो सी मैं आपको विंडो दिखा रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने इस बेसमेंट का क्या रेंट पे किया। हमने जी 1800 पर मंथ दिया था और 3 मंथ हम इसमें रहते। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जो है ना, कहीं पे भी आपको बेसमेंट या अपार्टमेंट नहीं मिलता। लेकिन जब हमारी हाउस ओनर से फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, तो हमने उनसे ये बताया कि जी हम अपना घर जो सा है वो भी फाइंड कर रहे हैं, और मे बी हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं कि 3 मंथ्स लगते हैं, 2 मंथ, 6 मंथ। तो इस वजह से हम जो सा है बहुत कोई साल का एग्रीमेंट आपके साथ नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो सा है हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप जितना टाइम रहना चाहते हैं आप इधर रहें, बस ये है कि जाने से 1 मंथ पहले आप हमें नोटिस दे दें। तो जो सा है हमारा शुक्र है अल्लाह का कि 1 मंथ नहीं, 3 मंथ्स हमें लगे थे, हम इस बेसमेंट में रहे थे। तो बहुत अच्छा टाइम हमारा इनके साथ स्पेंड हुआ। और यहाँ पर जो सा है ना, बेसमेंट का लीगल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनकी बेसमेंट लीगल नहीं होती, लेकिन उन्होंने फिर भी रेंट पे दी होती है। तो हमारी जो बेसमेंट थी वो लीगल थी। लीगल होने का मतलब ये है कि एंटर एग्जिट का अगर खुदा ना खास्ता आपको ये इमरजेंसी हो जाती है, कोई हैपेंड हो जाता है, बाहर जाने के लिए आपके पास प्रॉपर अरेंज होना चाहिए अंदर बाहर आने जाने के लिए, और सिटी ने उसको अप्रूव किया हो। तो ये चीज़ होती है जी लीगल होने में। ये जी विंडो आप देखें, ये भी ग्राउंड फ्लोर से आप देख रहे हैं ये कितनी डीप में है। तो ये जो मैं आपको अंदर से विंडो खोल के दिखा रही थी वो ये आउटसाइड से है। आई होप आज आपको मेरी ये बेसमेंट का टूर जो मैंने आपको करवाया है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।